उज्जैन स्मार्ट सिटी द्वारा श्री महाकाल महालोक के लोकार्पण के बाद लगभग 1.5 लाख से 2 लाख दर्शनार्थी प्रतिदिन आ रहे हैं। यह संख्या मुख्य पर्वों एवं त्योहारों पर 5 से 10 लाख पहुंच जाती है। दर्शनार्थियों की बढ़ती भीड़ के प्रबंधन व सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। उज्जैन भारत का पहला धार्मिक स्थल है जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित हाईटेक सिक्योरिटी सर्विलेंस सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से श्री महाकाल महालोक में सभी स्थानों पर 600 से अधिक स्मार्ट सर्विलेंस कैमरा लगाए गए हैं, जिसे त्रिनेत्र कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से संचालित किया जाता है व सभी गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जाती है। यह सिस्टम कई प्रकार के एनालिटिक्स पे कार्य करता है, जैसे रीजन एंट्री एंड एग्जिट, एडवांस मोशन डिटेक्शन, टैम्पर डिटेक्शन, लाइन क्रॉसिंग, ऑब्जेक्ट रिमूव्ड, ऑब्जेक्ट लेफ्ट, पीपल काउंटिंग, ह्यूमन डिटेक्शन, लॉयटरिंग इत्यादि। कहीं बच्चा घूम जाता है, कोई बच्चा तो उसको वापस अब अपने परिजनों से मिलाने में माता लोग कंट्रोल कर रहा है, वो विशेष वो रहता है। दूसरा कोई संदिग्ध व्यक्ति यदि वहाँ का लोग घूम रहा हो उसमें नजर बनाए रखने में माता लोग कंट्रोल रूम का विशेष वो रहता है। कई ऐसी समस्या है जो माता लोग कंट्रोल रूम से हमें मतलब एक वो लगे कैमरे द्वारा मिलती है और वहाँ से हमें निर्देश प्राप्त होते हैं। प्रतिबंधित क्षेत्रों में अनधिकृत प्रवेश पर तुरंत अलर्ट मिलता है। हेड काउंट से परिसर में आने वाले श्रद्धालुओं की सटीक संख्या मिलने से परिसर के विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर भीड़ प्रबंधन किया जा रहा है। साथ ही श्रद्धालुओं को सुरक्षित एवं बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिक्योरिटी सर्विलेंस सिस्टम न केवल श्रद्धालुओं की सुरक्षा में मदद कर रहा है बल्कि उनके अनुभव को भी और बेहतर बना रहा है। उज्जैन स्मार्ट सिटी द्वारा यहां फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम की पहल से सुरक्षा बल आपराधिक व संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखते हैं। इस सिस्टम के लागू होने के बाद से ही कई संदिग्ध गतिविधियों और दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने में सफलता मिली है। उज्जैन स्मार्ट सिटी के माध्यम से महाकाल कॉरिडोर में एक पब्लिक सर्विलांस सिस्टम की स्थापना की गई, इसको त्रिनेत्र नाम दिया गया है। ये पूरी टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन उदाहरण है और पूरे देश में कितने बड़े स्तर पे क्राउड मैनेजमेंट और सर्विलांस सिस्टम का उपयोग पहली बार हो रहा है। AI के माध्यम से जियो फेंसिंग की व्यवस्था है इसमें, और कोई प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसना चाहते हैं, दूरस्थ से पहुँचना चाहते हैं, मृत्यु तक पहुँचना चाहते हैं, तो अलर्ट कंट्रोल रूम में आ जाते हैं वहाँ पर, और उस कंट्रोल रूम के माध्यम से वहाँ पर मौके पर जो भी सुरक्षाकर्मी तैनात है उसको मैसेज चला जाता है, उसको अलर्ट आ जाता है और वहाँ पे मौके को कंट्रोल नहीं करता है। तो ये एक बेहतरीन सिस्टम की यहाँ पर स्थापना की गई और जो कि अभी महाकाल लोक में है को भी हो रहा है और वर्तमान में बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर रही है। यह भारत का पहला हाईटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिक्योरिटी सर्विलेंस सिस्टम है जो किसी मंदिर परिसर में उपयोग किया जा रहा है।